तो ये जा रही है पिंक लाइन, देखो ये मयूर विहार की है, और ये मयूर विहार में इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों बारापुल्ला का। ये बारापुल्ला का इंटरचेंज है, देखो किस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया गया है, ये देख सकते हो आप सभी। और यहीं से जब आप दिल्ली से आएंगे तो यहीं पर ये इंटरचेंज पर निकलेंगे दोस्तों, और आगे जाएंगे तो आप लोगों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखो कुछ ऐसा बनाया गया है, देखो तस्वीरें कुछ ये है, ये मयूर विहार का इंटरचेंज बारापुल्ला का दोस्तों, जो कि अभी बनाया जा रहा है उधर। एक तो इस पर यमुना रिवर के ऊपर इसका ब्रिज भी बनाया जा रहा है, और किसानों ने लैंड एक्वायर नहीं के होने दिया था, तो लैंड एक्वायर करने के बाद में अब उस पर काम चल रहा है दोस्तों। चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे काफ़ी दिनों के बाद में दोस्तों, चलते हैं आगे, आगे दिखाएंगे चल के आप लोगों को। तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। अभी दोस्तों हम इधर से आए हैं, और देखो जो वो जा रही है, देखो वो है पिंक लाइन, और वहीं पे इंटरचेंज बनाया गया है मयूर विहार के ऊपर। जब हम इधर को आएंगे दोस्तों, ये है ब्लू लाइन, और यहाँ पर ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नीचे वाला दोस्तों, और यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो वो बोर्ड भी लगे हुए हैं, देखो वो बोर्ड लगे हुए हैं ना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के, ये देखो यहाँ से ये बोर्ड बनाए गए हैं। ये रोड अभी बनी है दोस्तों, देखो वो उधर भी उस साइड में देखो वो बनाया है क्या पानी निकलने के लिए नाली बनाई है। और ये सामने है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है अक्षरधाम टेंपल, और यहीं से ये कोने से स्टार्ट हो जाता है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। देखो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आगे चला जाएगा दोस्तों। ये कहाँ से होते हुआ जाता है और कहाँ पर ये इसका एंड हो जाएगा देहरादून में जाकर दोस्तों, तो चलेंगे आगे और दिखाएंगे चल के आप सभी को कि आगे कितना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, डेढ़ दो महीने के बाद में दोस्तों। क्योंकि पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में अपडेट नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो ना देर करते हुए चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को कि कितना कुछ वर्क आगे हो चुका है कंप्लीट, और क्या क्या चल रहा है, तो वो सब कुछ दिखाएंगे चल के आप सभी को। तो बने रहिए इस वीडियो में, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे का व्यू दोस्तों। देखो ये चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम दोस्तों, इन साइड में रुक, देखो दोस्तों ये चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया, एक लेन और इसमें ऐड कर दी है। देखो वो आगे जो वाहन आ रहे हैं, एक पहले ये वाला हुआ करता था, ये वाला रोड अब ये चौड़ा कर दिया, ट्रक खड़े हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है, ये कंपोजर भी लगा दिए हैं, और साइड के इसमें बेल्ट भी ये लगाई जा रही है। बेल्ट लगाकर इसमें मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों देखो चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो आरी पैनल्स को लगा रहे हैं, फिर मिट्टी डाल रहे हैं दोस्तों, फिर इसमें ये कंपोजर लगाते जा रहे हैं, कंपोजर लगा के इसमें बेल्ट लगाते हैं, और फिर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। देखो वो जेसीबी मशीन चल रही है आगे दोस्तों, और ये है सामने अक्षरधाम टेंपल, देख सकते हो ये है, ऐसे काम चल रहा है यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। तो ये चौड़ा हो जाएगा दोस्तों, एक रोड यहाँ पर हो जाएगी, एक इधर से हो जाएगी, ये वाली रोड हो जाएगी, और बीच में ये मेट्रो का पिलर आ जाएगा दोस्तों। यह है ब्लू लाइन दोस्तों, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आगे। देखो आगे भी चल रहा है जेसीबी, तो रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के। देखो दोस्तों ये काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है, इसमें आरी पैनल्स को लगाने के बाद में इसमें मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, और इधर ये देखो ये चौड़ीकरण का काम कर, जो देखो जेसीबी खड़ी है, तो इतना ये रोड चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी किस तरीके से ये जेसीबी मशीन देखो मिट्टी को हटा रही है दोस्तों, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, और ये अक्षरधाम टेंपल की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। ये सब कुछ हट जाएगा, ये बस स्टैंड है ना, ये भी हट जाएगा कुछ दिनों के बाद में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस अपडेट में
देख लो अभी इस टाइम पर दोस्तों, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी हटाई जा रही है दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के दोस्तों फिर कितना चौड़ा है, कनवा है दोस्तों। देखो ये चला जाता अक्षरधाम के लिए, तो देखो इधर भी काम चल रहा है। फ्लाई ओवर को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, तो इसके ऊपर अभी ब्रिज बनाया जाएगा, तो दिखाते हैं चल के आगे आप लोगों को। यहाँ पर ये फ्लाई ओवर के रैंप बनाया जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर ये मशीनें खड़ी हुई हैं, और उधर वो ड्रेनेज बनाया जा रहा है दोस्तों, और ये मिट्टी इसमें ही रोड के काम आ जाएगी, तो इसलिए इन्होंने ढक दिया क्योंकि ये रैंप का हिस्सा है। आगे देखो काम चल रहा है, देखो इसमें तो पियर कैप बन चुके हैं इस बारे पिलर पर, बीच वाला वो बचे हुए हैं, देखो उधर भी बचे हुए हैं, और ये जा रही है बिलो लाइन मेट्रो। देखो आप सभी, जब मैंने पिछली बार अपडेट दिया था तो इस पर सेटिंग लगी हुई थी, पियर कैप का काम किया जा रहा था बनाने का दोस्तों, ठीक है ना। और देखो वो स्टील के गाटर भी आ चुके हैं, देखो वो रहे आई गटर, अब इनको लॉन्च किया जाएगा क्योंकि ये रेलवे ब्रिज है बीच में दोस्तों। चलते हैं आगे, देखो दोस्तों जब मैंने पिछली बार आप लोगों को अपडेट दिया था तब ये देखो ये पिलर नहीं बने थे, इन पर बस फाउंडेशन का काम हो गया था, लेकिन अब फाउंडेशन बना के और इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। देखो ये आई गटर रखे हुए हैं स्टील के दोस्तों, इनके ऊपर अब रखे जाएंगे दोस्तों। देखो इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा, पियर कैप बनाए जाएंगे, उधर भी पियर कैप बनाए जाने हैं दोस्तों। ये सारा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है दोस्तों, उधर के तो पियर कैप बन चुके हैं दोस्तों। ये पिलर के जो सरियाओं का जाल है वो खड़ा कर दिया है, अब इसमें ये रिंग बांधे जा रहे हैं, और रिंग बांधने के बाद में दोस्तों इसमें बोरी बजरी का मसाला भर दिया जाएगा, ये पियर बन जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में देखो उस तरीके का ये पियर कैप बनाया जाना है दोस्तों, यही काम चल रहा है, तो चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों ये वाले पियर कैप बन चुके हैं, जिस पर अभी सेटिंग भी नहीं निकाली जा चुकी है, देखो उस पर सेटिंग लगाई जा रही, बहुत लास्ट का पियर कैप बचा हुआ है, उस पर सेटिंग लगा कर इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा, पियर कैप बनाया जा रहा है दोस्तों। पर ये स्टील के गाटर देखो लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें सारे में नट बोल्ट कस दिए हैं दोस्तों, इसके ये तीन पार्ट है, देखो कितना लंबा चौड़ा है, ये स्टील के गाटर ही रखे जाएंगे, इस पर भी पियर कैप बन गया, इसकी सेटिंग को निकालने का काम किया जाएगा दोस्तों। देखो ये है कुछ नज़ारा, और चलते हैं अब आगे, दिखाते हैं चल के आगे क्या कुछ काम किया जा रहा है दोस्तों इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप लोग ये काम चल रहा है, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के हम आगे का नज़ारा दोस्तों। देखो दोस्तों ये जेसीबी चल रही है, देखो ये रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, इसमें ये देखो ये पियर कैप बनाया जा रहा है, ये तो देखो सेटिंग लगा दी है, सेटिंग लगा रही है, अब इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा दोस्तों, ऐसे ये पियर कैप बनाया जाएगा। देखो जेसीबी वो चल रही है रोड को चौड़ा कर रहे हैं, और ये दोस्तों ये बॉल बनाई जा रही है, देखो वो बॉल बना दी है ना, तो ये पाइपलाइन ये पीछे आ जाएगी, इधर ये बॉल आ जाएगी दोस्तों, बॉल आ जाएगी, यहाँ से ये रैंप का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। आगे आप लोगों को कुछ दिनों में दूसरे अपडेट में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो यहीं तक आप लोग देख लो। अब चलते हैं आगे का नज़ारा दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। ये बॉल बनाई जा रही है, देखो वो बॉल बना दी है पूरे में, और फिर इस पर अब रोड बनाई जाएगी, इसका रैंप का हिस्सा बनाया जाएगा दोस्तों, इसका दोनों साइडों से ही, उधर से भी इधर से भी, तो यही नज़ारा है। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते चल के आगे दोस्तों। अब आप लोगों को देखो ये जो फुटओवर ब्रिज है दोस्तों, इसको अब हटाया जा रहा है, रोड को चौड़ा करने का काम किया जाएगा, और ये जो जगह है दोस्तों ये है श्यामा पार्क के सामने दोस्तों। देखो ये फुटओवर ब्रिज को हटाया जा रहा है, देखो ये टीम लगी हुई है यहाँ की, और जो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया था दोस्तों वो भी बन के
तैयार हो चुका है दोस्तों। एक साइड का तो रैंप बनके कंप्लीट हो गया है, दूसरी साइड का भी बचा हुआ है। और पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था अंडरपास जो बनाया है उसमें सेटरिंग लगी हुई थी, एक तरफ का बन गया था, दूसरी तरफ सेटरिंग लगी हुई थी, तो वो भी बनके अब कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें आरी पैनल लगाए जाएंगे अगली साइड में दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़े आप लोगों को अब ये अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो ये है श्यामा प्रसाद के सामने का नज़ारा जो फ्लाईओवर बनाया गया था, दोनों साइड का देखो अंडरपास बन चुका है दोस्तों, और इस साइड का ये रैंप अब बनाया जाएगा। अभी इस पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है बनकर ये रैंप दोस्तों, तो जल्दी ही बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही काम चल रहा है इस साइड में दोस्तों, अक्षरधाम से लेकर और आपका ये गीता कॉलोनी तक, फिर वहाँ से तो दूसरा फ्लाईओवर स्टार्ट ही हो जाता है। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो इन्जॉय कीजिए आप सभी दोस्तों।